और जैसे बस वालों ने भी आह्वान किया है कि हमारी बसें जो है वो सर्विस नहीं देगी, तो हमारी टैक्सियां भी जो है हिमाचल प्रदेश की वो सर्विस नहीं देगी मोदी जी की रैली में। काले झंडे लगाकर, काले बिल्ले लगाकर जो है वो मोदी जी के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। पारस फर्नीचर्स, मंडी शहर का सबसे बड़ा हैंडलूम शोरूम, नियर डोमिनोज पिज्जा, एसएमएस कॉम्प्लेक्स। देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी यूनियन ने 27 दिसंबर को मंडी में होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अपनी सेवाएं न देने का ऐलान किया है। साथ ही मंडी में प्रदेश भर के हजारों की संख्या में टैक्सी ऑपरेटर एकत्रित होकर मोदी के मंडी आगमन पर काले झंडे और बिल्ले लगाकर विरोध करने की चेतावनी दे रहे हैं। टैक्सी यूनियन की मांगे न मानने से टैक्सी चालक काफी नाराज चल रहे हैं, जिसके बाद यूनियन ने यह फैसला लिया है। देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर यूनियन के अध्यक्ष नरेंद्र ठाकुर का कहना है कि कोविड काल में टैक्सी चालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। बावजूद इसके सरकार ने राहत देने के बजाय पूरा टैक्स टैक्सी चालकों से वसूला है। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दे डाली कि अगर अब सरकार सुध नहीं लेगी तो 2022 में वोट की ताकत से सरकार को जवाब दिया जाएगा। कि प्रदेश सरकार की जो हमारे टैक्सी चालकों के विरुद्ध गलत नीतियां हैं और जो 2 साल से हमारे टैक्सी ऑपरेटर जो है बर्बाद हुए हैं, उसी के ऊपर जो हमें प्रदेश सरकार आज तक कोई भी राहत प्रदान नहीं की है, उसी के ऊपर जो आज हमने प्रेस वार्ता की है, जिसमें जो है हम 27 तारीख को जो मोदी जी की रैली मंडी के अंदर होने वाली है, उसमें जो है देवभूमि ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन जो है वो विरोध प्रदर्शन करेगी और काले झंडे लगाकर, काले बिल्ले लगाकर जो है वो मोदी जी के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और स्वागत भी करेंगे। देखिए, जो हमारी राहत की बात थी वो थी हमारे कि 2 साल का जो हमारा टैक्सी परमिट बर्बाद हुआ है उसको एक्सटेंशन की बात है कि हमें 2 साल का परमिट जो है हमारा एक्सटेंड किया जाए, और साथ ही जो हमारे 2 साल में सरकार ने खड़ी गाड़ियों के टैक्स वसूले गए हैं उसमें हमारी टैक्स माफ़ी की थी कि हमारे 2 साल के जो है पैसेंजर और टोकन टैक्स जो है माफ़ किए जाए। ये हमारी मुख्य के दौरान जो है हमारी कोई भी गाड़ी सर्विस नहीं देगी, ये हमारा ऐलान हो चुका है। और जैसे बस वालों ने भी आह्वान किया है कि हमारी बसें जो है वो सर्विस नहीं देगी, तो हमारी टैक्सियां भी जो है हिमाचल प्रदेश की वो सर्विस नहीं देगी मोदी जी की रैली में। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।